जैसे कहीं किसी दौड़ में लगे होते हैं, हमारे साथी कहीं ना कहीं लग जाते हैं और हम कहीं पीछे रह जाते हैं। तब हमको लगता है कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या हूँ। तो उसके रिगार्डिंग लिखा था मैंने, तू क्यों थकता है, बीच में ही क्यों रुकता है, जब तू जानता है तेरी मंजिल और है लोगों से, जब तू जानता है तेरी मंजिल और है लोगों से, तो लोगों के आगे चले जाने से क्यों डरता है। माना तू थोड़ा पीछे रह गया है, माना तू थोड़ा पीछे रह गया है, पर कल जहाँ था वहाँ से आगे निकल गया है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलते जा, छोटे छोटे ही सही पर पग आगे धरते जा, मत रुक तू हालातों के आगे, मत झुक तू, पहुँचेगा अपनी मंजिल पर ज़रूर तू, है इस काबिल कर कबूल तू, है इस काबिल कर कबूल तू। और दूसरा है एक सेंसिटिव समुदाय है पीरियड्स, उसको देख के जो भी मैं देखता हूँ आसपास अपने घर में या समाज में, तो उसको देख के मैंने लिखा था, कितना दर्द सहती है वो जब उन दिनों में रहती है वो, हमें लगता है ऐसा क्या ही होता होगा, बस खून ही तो है बहता होगा, पर हमें कैसे पता उसे कितना दुखता होगा। एक तो वो दर्द है जो वो अंदर से सह रही है, एक तो वो दर्द है जो वो अंदर से सह रही है, और दूसरी ओर हम तैयार खड़े हैं उसे दर्द देने को, कह देते हैं हम उसे किचन और मंदिर से दूर रहने को, कह देते हैं हम उसे किचन और मंदिर से दूर रहने को। एक तरफ तो हम कहते हैं कि उसे इन दिनों में आराम करने दो, एक तरफ तो हम कहते हैं कि उसे इन दिनों में आराम करने दो, और दूसरी ही तरफ हम कह देते हैं कि तुम बाहर का काम करो, अंदर का काम रहने दो। ये दुख सहती आ रही है वो सालों से, ये दुख सहा है मेरी दादी माँ बहनों ने, हम इस बारे में बात करने से भी कतराते हैं, खुदा जाने ऐसा क्या है जिससे हम शर्माते हैं। मेरे हिसाब से कुछ गलत तो नहीं है, ये समस्या तो सदियों से रही है, पर अब लग रहा है धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है, कुछ और ना तो ना सही, कुछ और ना तो ना सही, पर दुनिया इस बारे में खुल के बात तो कर रही है, जब बात शुरू हुई है तो बनेगी भी, लोगों की समझ इस मामले में बढ़ेगी भी। धन्यवाद।